तो गाइज मेरी तरह ऐसे बारिश में घूमना किस किस को पसंद है, बारिश देखना किस किस को पसंद है। तो ये रहे गाइज हमारे पौधे जो थोड़ा सा बारिश पा। तो गाइज चाय नाश्ता हमने कर लिया, ये रहे हमारे पति देव जो तैयार हो। नीचे होगी और कहाँ होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, मैं सुबह के 5:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और मैं डायरेक्ट सो के उठी हूँ, छत पे आ गई हूँ क्योंकि मौसम जो है यहाँ का बहुत ही सुनहरा हो रहा है। रात में हो रही थी बारिश, अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है और मौसम इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बारिश बूंदी फिर से आ गई है, बूंदी वाला हल्की फुल्की बूंदी पड़ रही है अभी भी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुनहरा मौसम हो रहा है और मुझे ऐसे मौसम में बैठना, मतलब बाहर निकल के छत पे बैठना, बाहर घूमना बहुत ही पसंद है। तो मैं बाहर घूमने तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं गांव में नहीं हूँ कि मैं बाहर घूम लूँ। मैं दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि पति देव अभी तक सो रहे हैं और मैं डायरेक्ट उठ के छत पे आ गई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे आकर के पागलों की तरह सुबह सुबह बैठी हुई हूँ, पर कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ का जो मौसम है इतना सुनहरा हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, और हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। बादल देख सकते हो आप, इतना प्यारा लग रहा है। और आप छत देख के समझ सकते हो कि हाँ कितनी बारिश हुई है, बहुत तेज़ वाली रात में बारिश हुई है और यहाँ पे भी बूंदी पड़ रही है, अभी भी बूंद पड़ रही है। तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। और मौसम गाइज आप देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है। तो गाइज तो ये रहे गाइज हमारे पौधे जो थोड़ा सा बारिश पा के अच्छे से खिल गए हैं। तो यहाँ पर गुड़हल है जो अभी सुबह सुबह खिला नहीं है क्योंकि बहुत सुबह सुबह है, तो ये थोड़ा धूप लगने के बाद ही खिलता है, नहीं तो थोड़ा लेट ही फूल खिलता है इसका। तो अभी तक ये खिला नहीं है। पौधे बहुत ही प्यारे हो गए, सारे हरे भरे हो गए, थोड़ी सी बारिश पड़ी है। तो गाइज मेरी तरह ऐसे बारिश में घूमना किस किस को पसंद है, बारिश देखना किस किस को पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आई हूँ तो थोड़ी देर छत पर घूम के ही जाऊँगी क्योंकि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो मैं घूम लेती हूँ। पति देव तो अभी सो रहे हैं, देखो कितनी देर सोते हैं। मैं यहाँ से जाने के बाद फिर नहाऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है, पोछा नहीं लगाया है, जाके करूँगी क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैं तुरंत ही छत पे जाऊँ, तो मैं तुरंत ही आ गई हूँ। यहाँ से जाने के बाद ही सारा काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। इतने जल्दी क्या काम करना, समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो गाइज मैंने सोचा छत पे आई हूँ तो हाथों हाथ कबूतरों को दाना भी डालते जाती हूँ। तो दाना डाल के जैसे ही मैं जिसमें दाना रखती हूँ वो रखने गई, वैसे ही मैंने देखा इतनी सारी कबूतर आ गई हैं। तो आप देख सकते हो कुछ कबूतरें अभी डर रही हैं और कुछ कबूतरें दाना चुग रही हैं। तो मौसम प्यारा है तो इन्हें भी अच्छा लग रहा है दाना खाते हुए। तो आप देख सकते हो गाइज मेरा डेली का काम है, मैं सुबह उठती हूँ, मैं आपको कभी नहीं दिखाती हूँ पर मैं 2 दिन से वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कबूतरों को दाना डालना, आप देख सकते हो। चलिए गाइज मेरा भी घूम टहल के हो गया, काफ़ी देर तक मैंने घूमा, लगभग 1 घंटे। तो बजने वाले हैं घड़ी में 6:30 और मैं चलती हूँ नीचे, बहुत सारे काम है। पति देव के लिए लंच बनाना है और नाश्ता बनाना है, मुझे नहाना भी है, पूजा पाठ भी करना है, बहुत सारे काम है। तो मैं फटाफट चलती हूँ नीचे, सारे काम कर लेती हूँ। तो लंच में गाइज आज भिंडी की सब्ज़ी जिससे मैंने धुल लिया, मैं इसे कट करूँगी। तो गाइस यहाँ पे नहा धो लिया है मैंने, पूजा पाठ हो गया है, पीछे आपको दिख रहे होंगे भगवान जी, पूजा पाठ हो गया है, मंदिर में दिया जल रहा है। और ये रहे पतिदेव, ये भी नहा धो लिए हैं, इनका भी पूजा पाठ हो गया है, घर के भी सारे काम खत्म हो गए। ऑलमोस्ट मैंने खाना भी बना लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लंच में, आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना करके पतिदेव को पैक किया है। तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना लिया है, यहाँ पे जो बच्चे हैं भिंडी की सब्ज़ी दोपहर के लंच के लिए वो रख दिया है। और यहाँ पर रोटी, चपाती, रोटी जो भी है। तो लंच तो मैंने बना दिया गाइस, पर पति देव थोड़ा लेट नहाए हैं तो
तो नाश्ता मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो नाश्ता मैं अब फटाफट से बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता मैं जब ही बनाती हूँ जब नाश्ता करना होता है, क्योंकि चाय होता है नाश्ते में और चीज़ें होती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप पीछे देख सकते हो मेरे गैस मैंने एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया है, किचन मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, सफाई मैंने पूरी कर ली है, क्योंकि नाश्ता बनाने में गैस उतना गंदा नहीं होता जितना रोटी बनाने में गंदा होता है। तो गाइस आज की जो गर्मी है ना, बहुत ही ख़तरनाक गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह का जो मौसम था, वेदर था, इतना प्यारा था, इतना सुनहरा था, उसके बाद इतनी ज़ोर की गर्मी हो रही है। मैं इतना नहाई हूँ फिर भी कमरे में घुसते ही, किचन में घुसते ही पसीने पसीने पूरे आपको दिख रहे होंगे, इतनी गर्मी है, ख़तरनाक वाली गर्मी है। तो मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, और नाश्ते में मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैं आज पापड़ तलूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे बारिश बारिश का हो रहा है, तो पकौड़ी वगैरह खाने में मज़ा आता है, पर पकौड़ी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पकौड़ी जो होती है हैवी हो जाएगी थोड़ी सी। मैं थोड़ा सा पापड़ तलूँगी और चाय बनाऊँगी, उसके साथ पापड़ और चाय अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पति देव बैठे हैं नाश्ते के लिए। तो गाइस चाय नाश्ता हमने कर लिया, ये रहे हमारे पति देव जो तैयार हो चुके हैं, बैग वगैरह टांग लिए हैं, जा रहे हैं ऑफिस, और यहाँ पे चल रही है टीवी। घर का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस बर्तन रह गए हैं बेसिंग में चाय वाले, मैं बर्तन धुलूँगी पति देव के जाने के बाद, तो पहले ये चले जाएँ। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं, मुझे कुछ कपड़े तय लगाने हैं जो चेयर पे पड़े हुए हैं, और पति देव कपड़े यहाँ निकाल के रखे हैं, इसे धुलना है। तो मैं चलती हूँ फटाफट से, अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े पहले भी धुल लिए थे, तो ये पति देव के हैं जो मुझे धुलने हैं, तो मैं धुल लेती हूँ गाइस, क्योंकि आज की जो गर्मी है गाइस, मैंने पहले भी बता दी, इतनी ख़तरनाक हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी है, क्या ही बताऊँ। तो बिस्तर वगैरह हमने बिल्कुल ही सेट कर दिया है, सारे काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं, बस बेसिक में बर्तन है उसे साफ़ करना है। हेलो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6, और मैंने आज दोपहर में वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे। आज बेड खोला था मैंने, बेड को सेट किया है, थोड़े से सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो उन्हें सेट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, और मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बेड ऐसे इधर उधर हुआ था, तो उसे सेट करने में टाइम लगा, तो वीडियो शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो लंच भी मैंने दोपहर में कर लिया था, मैंने आज, मैं कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया है। तो अभी शाम के बजने वाले हैं 6:15 बाकी है 6 बजने में, तो मैं फटाफट से, पति देव का फ़ोन आया था, वो भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो फटाफट से मैं थोड़े से। तो गाइस यहाँ पे बज गए हैं शाम के 7:30, और आज हम सबसे काफ़ी लेट आए हैं, अंधेरा। मोटर को जला रखा है क्या? अच्छा तुम बाल्टी भर रहे हो, मुझे लगा नीचे कोई मोटर चला रखा है। तो शाम के यहाँ बज गया 7:30, काफ़ी लेट हो गया है, हमारे पति देव मारने की तैयारी कर रहे हैं पीछे इनकी आदत है गाइस, मुझे बिना मारे रह नहीं सकते, पता नहीं क्या मिलता है इनको। तो गाइस गर्मी बहुत है, आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल भी एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, इतनी ज़ोर की गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो जो बादल यहाँ के है गाइस आपको दिख रहे होंगे पीछे, बिल्कुल ही लाल लाल पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ का जो मौसम है गाइस कुछ इस तरह हो रहा है, यहाँ पे चंद्रमा भी निकल गया हल्का हल्का, मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके, और मौसम काफ़ी गर्मी वाला है। तो बादल भी आप देख सकते हो, कहीं बादल है तो कहीं पता नहीं, अजीब सा मौसम है। नीचे होगी और कहाँ होगी, हाँ तो क्या हो गया, बच्चा है उसको, पेट ही लगा रहा है। तो गाइस हम यहाँ पे बस केवल पौधों को पानी देने आए, फटाफट से पौधों को पानी देके नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी राहत नहीं है, इतनी ज़ोर की गर्मी हो रही है, आपको दिख रहे होंगे पसीने बहुत तेज़ के हो रहे हैं। तो बादल रेड रेड है गाइस, इसलिए मेरे फेस पे भी असर पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फेस थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि बादल की वजह से। तो चलिए गाइस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।